भाई साहब, अरे कूद है भाई, लेफ्ट साइड में देखो पूरा झील हो चुका है भाई। उसको मॉडिफाई करने दिए थे तो बहुत सारे कस्टमाइजेशन किए है, तो थोड़ा थोड़ा वीडियो आप लोग को दिखाए थे, तो आज भी दिखाएंगे जो लोग नहीं देखे हो कि क्या क्या कस्टमाइजेशन करा रहे हैं एंड क्या क्या अभी तक कम्प्लीट हो चुका है। एंड गाइस, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे थे, मैंने बोला था ना रैप करेंगे, रैप प्रिंट होकर कम्प्लीट हो चुका है एंड वो शिपिंग भी हो चुका है, क्योंकि रैप मंगवा रहा हूँ गोवा से, लेयर्स रैप से। भाई अभी देखो बाइक लेके निकलने का बात है और बाइक निकाल भी चुके हैं। एंड गाइस, थोड़ा थोड़ा ड्रिपलिंग हो रहा है, बारिश हो रहा है भाई, वही खटक रहा है मुझे मन को कि अभी बाइक लेके निकले कि कार लेके निकले। भाई सुबह से ऐसा ही वेदर करके रखा है, पता नहीं कुछ दिनों से क्या हो रहा है, एक घंटा बारिश फिर वेदर ठीक हो रहा है, फिर एक घंटा बारिश। निकलने से पहले एक बार और बोल देते हैं भाई, जल्दी से जल्दी 50K कर दो भाई, लाली को लेके आने का मन है बहुत भाई, बहुत मन में इच्छा कर रहा है। तो पिछले वाला ब्लॉग में देखो ना आप लोग, और जो लोग नहीं देखो पिछले वाला वीडियो चेक कर लो भाई, वो स्ट्रेट ट्रिपल भाई, बहुत मन कर रहा है कि कब घर लेके आएंगे। तो मैंने प्रॉमिस किया है, मतलब अपने आप से कमिटमेंट किया है कि जब 50K कंप्लीट होगा तभी लेंगे भाई। फटाफट निकलते हैं इससे पहले कि भारी भरकम बारिश आ जाए, तो आप लोगों से मिलते हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। तो गाइस चलो इसको स्टार्ट कर लेते, खुला वार्म अप कर लेते। अरे मेरा ग्लव्स गिर गया, भीग जाएगा भाई। ओ भाई साहब, यार ये स्टार्ट जब होती है ना बहुत ही तगड़ा साउंड करता है यार। आधा घंटा के लिए बारिश रुक जा भाई, सिर्फ साइंस सिटी पहुंचना है। चलो गाइस 50 हो चुका है, चलते हैं भाई। ओहो गाइस, सुबह से ऐसा ही वेदर चल रहा है भाई, एंड सामने अभी देखो काला बादल छा चुका है फिर से। ऐसा मुझे लग रहा है न्यू टाउन क्रॉस अगर नहीं किया तो बारिश में फंस सकते हैं, तो देखते हैं कितना जल्दी क्रॉस कर पाते हैं। अरे बाप रे, क्या हालत है भाई आसमान का। वैसे तो सीन तो देखने में बहुत सुहाना लग रहा है भाई, मौसम भी बहुत सही है, थोड़ा ठंडा वेदर है, लेकिन भाई राइड के लिए नहीं, क्योंकि बारिश में मुझे सब सीजन में पसंद है भाई, गर्मी हो गर्मी भी सह लेते, लेकिन भाई बारिश में एकदम राइड किया नहीं जाता है एकदम से भी। भाई लोग वीडियो क्लिप्स अगर थोड़ा धुंधला धुंधला सा है ना तो माफ़ कर देना भाई लोग, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना तक हो सके, ये देखो लेंस को साफ कर रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू ड्रिजलिंग हो रहा है तो लेंस में पानी गिरने से थोड़ा धुंधला लगता है भाई फुटेज। सामने का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई, तो मुझे लग रहा है फंसने वाला हूँ भाई। अचानक मेन रोड में आ रहे तब भी अगर भारी भरकम बारिश आता है तो ठीक है भाई, लेकिन ये न्यू टाउन में ना अचानक से अगर बारिश आ जाए तो कहीं पे शेड नहीं मिलेगा भाई रुकने का, ऐसा ही कुछ सीन है। फिलहाल सिग्नल है, निकलता हूँ फटाफट भाई। एक दिन वो आप लोगों ने वीडियो देखा था कि मुझे मालूम नहीं है, इधर ही पकड़ा था ओवर स्पीडिंग के लिए, वो एक डिस्कशन हुआ था बहुत लंबा चौड़ा लाउड एग्जॉस्ट को लेके, ये ओवर स्पीडिंग का दिया चलान, मैंने एडमिट किया सर ओवर स्पीडिंग कर रहे थे। अगर न्यू टाउन में इधर में इको पार्क के साइड में आ रहे हो ना तो बहुत पकड़ रहा है, एंड ओवर स्पीडिंग मत ही करो इधर। अरे ए, पागल कुछ देखा भी नहीं, बेवकूफ लड़का कहीं का, कान में हेडफोन घुसा के क्या पता छतरी लेके एकदम आराम से क्रॉस कर गया। अरे कोता है काय दिन को चला बेली है ने लाग कोता है लाग लाग लो देखो चला भाई का को कोता है लाग लो। अरे क्या बोल रही थी, मैंने तो ठीक ही क्रॉस किया, बोल रहे हैं कि देख के चलो गाड़ी, मुझे किंतु लगा मतलब कहाँ लगा यार, पिछले दिन ही इसको पैसा दिए, नया श्रेया जब आ रहे थे कार में तो पिछले दिन ही इसको पैसा दिए, बाइक में कहाँ लगा यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं, मैं तो साइड से ही आया। ये वेदर तो एकदम प्रॉपर मंदारमणि या दीघा जाने का है या फिर पूरी जाने का मन कर रहा है। कार जब भी कंप्लीट होगा, जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, मैं श्रेया और मम्मी निकल जाएंगे भाई कहीं पे पूरी या फिर मंदारमणि के लिए। तो प्लानिंग चल रहा था, श्रेया बोल रही थी मुझे भी बहुत इच्छा कर रहा है मन में कि जाऊँ जाऊँ जाऊँ, क्योंकि ये सीजन में रेनी सीजन में बहुत ही मस्त लगेगा,
सी बीच के साइड पर भाई गाड़ी अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि ये वाला गाड़ी कंप्लीट हो रहा है तो यही लेके जाएंगे, तो इजी लेके जाएंगे। इसका तो ट्यून किया हुआ है, उसका मजा भी थोड़ा ले लेंगे रोड्स पे। भाई लोग लेफ्ट साइड में देखो पूरा झील हो चुका है भाई। तो बारिश हो चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मुझे तो वीडियोस करना है बस। ऐसे देख रही थी कि घबरा गई या फिर मुझे मार देगी। आ गए बाईपास भाई, कुछ देर पहले बारिश खत्म हुआ। चलो मेरा लक बहुत अच्छा है भाई। ओए भाई ये भीगे हुए रोड्स में ना डर लगता है भाई मुझे राइड करने। जो भी हो बाइक में जितना भी ट्रैक्शन कंट्रोल अच्छा हुआ ना, अभी तो रेस प्रो 2 में चला रहे तो कोई बात नहीं। अपन को ज्यादा एक्सलरेशन नहीं करना है, ज्यादा थ्रॉटल घुमाना नहीं है, क्योंकि ये वाले रोड पे ज्यादा थ्रॉटल घुमाएंगे चक्का ऑटोमेटिक स्किड करेगा भाई। सो गाइस जो आ गए यहीं पे बूस्ट नेशन का, यहाँ क्या हुआ मिलने? क्या होना चाहिए? गाड़ी कौन सा वाला? विंडो 1.6। 1.6 वाह। I was not expecting तुमसे मुलाकात होगा भाई। It was a surprise। So guys आ चुके हैं बूस्ट स्टेशन में एंड अपना बाइक का फिर से क्या हालत हो चुका है देखो भाई, फिर से कचरा कचरा हो गया भाई। मतलब क्या ही बोले, रोज वॉश करा रहे हैं एंड रोज ऐसे हालत हो जा रहा है। बहुत ही खराब लग रहा था देख के, तो मैं सोच रहा था फिर से एक बार यहाँ पे वॉश करा ले, लेकिन करवा के कुछ फायदा ही नहीं है। रास्ते पे तो कीचड़ मिलेगा ही रोड पे। एंड गाइस अभी दिखाते एक बंदे को, शैतान बच्चा आ चुका है भाई। ये है रातुल का साला। तो आ चुका है रातुल, तो देख बदमाशी करने के लिए आया है। सरप्राइज। कौन सा गाड़ी खरीदा भाई? 1.6 Vento 1.6। कांग्रेचुलेशंस। एंड अभी ये जो शैतान बच्चा है ना, ट्यून मत करा ना, एफर्ट करो ना एक तो कॉलेज। ये अगर गाड़ी में ट्यून करेगा मेरा होम टाउन माँ बहन एक कर देगा भाई। आदमी लोग निकलेगा रास्ते पे, उन लोगों का ट्यून कर देगा ये। चल मेरा गाड़ी दिखाते अभी अंदर में क्या लगा। रैप तो तू देख चुका है, ओटा वो अभी रिवील नहीं। एक बार तो दिखाए थे आप लोग को ये डिस्प्ले। गेट बंद कर दे तो भाई। हाँ हाँ हाँ, एंड्रॉइड सिस्टम में अभी एक कुछ को दिखाते हैं ठीक है। ये फुल एंड्रॉइड सिस्टम है भाई, और एप्पल कारप्ले नेविगेशन सब ये है। तो गाइज ये मैंने कस्टमाइजेशन करके लगाया है। एंड सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना, ये प्रॉपर एक चीज़ दिखाते हैं, ये वर्किंग, ये वाला भी चेक कर। ओके मीटर, ये हाँ मीटर, ये स्पोर्ट्स मोड में भाई एंड प्रॉपर वर्किंग। स्पोर्ट्स मोड में आरपीएम मीटर भी शो कर रहा है, यहाँ पर भी शो कर रहा है, बोथ साइड वर्किंग। ये बहुत ही, ये हो गया अपना स्पोर्ट्स मोड में ठीक है। अभी इको प्रो में देख ब्लू है ना, बढ़िया। एंड जब भगाएंगे भाई तो क्लास हो जाएगा मैनुअल में। और एकदम और ये है कंफर्ट मोड, दिस इज द स्पोर्ट्स मोड। ओह सेक्सी, सब कुछ ऐप सपोर्ट करता है यूट्यूब वगैरह। तो गाइस जो लोग देख चुके हैं इससे पहले, आप लोगों को तो दिखा चुके हैं, वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा है ना, बहुत ही बढ़िया टॉप नॉच। लाइक बूस्ट नेशन है तुम्हारे, देखो काज कर रहे हैं बूस्ट नेशन एकदम। तो भाई मुझे फोन ही नहीं किया था, सरप्राइज था वो, आपको पता था हीरोक भैया कोलकाता में, यार पूछ लिया था कि आते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आज सोचे कि आने के बाद तो आ गए, अपना गाड़ी देखते हैं। और गाइस एग्जॉस्ट का काम अभी तक पेंडिंग है, पता नहीं 2-3 दिन में शायद कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसको रैप का एक तो धीराज रखो, लाइक पेशेंस इज द बेस्ट। वही बात है, पेशेंस इज द बेस्ट। इतना टाइम लगेगा उतना अच्छा। वही बात है, कस्टमाइजेशन के लिए ना पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। हर बारी का काम बहुत गंदा काम हो जाता है। मेन चीज क्या है कि उसको भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए काम करने के लिए। तनुज वही मुझको बोला, इसलिए पेशेंस अभी भी अंदर में है भाई। रैप का डिजाइन इसको दिखा चुका है, इसका देख के रैप का डिजाइन देख के दिमाग खराब हो गया। तो गाइस रैप शिपिंग हो चुका है जैसे वीडियो के पहले आपको बताया। और
दो तीन दिन में आ जाएगा, क्योंकि गोवा से आ रहा है, गोवा से डायरेक्ट फ्लाइट यहाँ पे नहीं है, गोवा से मुंबई आएगा, मुंबई से यहाँ पे, तो 3 दिन शायद और लगे। मैं तो रैप का डिज़ाइन देख के मैं सोच रहा हूँ गाड़ी कब कंप्लीट होगा, तो इसको डिलीवरी लेना है भाई। डिलीवरी लेने के बाद और भाई 50K कंप्लीट होने के बाद और एक सरप्राइज है, वो तो आप लोग जानते ही हो, जल्दी हो जाएगा 50K। थैंक यू। और आंटी को अभी कॉल लगाएंगे, आंटी का नंबर मेरा नहीं है, चलो तेरे दीदी को बोल दिए, आंटी के पास खबर चला जाएगा। तेरा गाड़ी का काम हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं भाई, दोनों का एक साथ एकदम अब पूजा में बहुत बहुत पागल है, इंसान बंदा है भाई एकदम मुझसे ज्यादा नहीं। तो गाइस वहाँ पे काम भी हुआ और 4-5 घंटे ऐसे गप्पे शप्पे भी मार लिए भाई, अच्छा लगता है मुझको भाई। लोग आज तो एग्जॉस्ट का काम नहीं हुआ, मैंने सोचा था कि होगा, तो भाई मीट पाइप कल आने वाला है, अगर कल आ गया मीट पाइप तो कल ही एग्जॉस्ट का काम होगा एंड एग्जॉस्ट का काम कल ही खत्म हो जाएगा, एक सिंगल डे लगेगा। गाइस द थिंग इज बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि कब एग्जॉस्ट लगेगा, रैप इज ऑन इट्स वे, तो आ जाएगा 2-3 दिन में। तो कल अगर एग्जॉस्ट का काम हुआ तो वो वाला वीडियो तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताना है, प्लीज भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, 50K तक जल्दी से जल्दी पहुंचा दो भाई लोग। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, आपका प्यार सराह होकर जो भाई और भी थोड़ा सपोर्ट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना, हंसते रहना हमेशा भाई लोग।